दुनिया में सबसे दुर्लभ जानवरों को बहुत ही अजीब अनोखी स्थितियों में, यह इसकी अनूठी विशेषताओं के साथ इसकी उपस्थिति के कारण भी हो सकता है। उनमें से अधिकांश दुर्लभ रूप में पाए जा सकते हैं और कई विलुप्त होने के खतरे में हैं। आइए देखें कि दुनिया में कौन से मुख्य दुर्लभ जानवर हैं और उनकी विशेषताएं हैं। डब्बा मछली, इसे ड्रॉप फिश के नाम से भी जाना जाता है, और कुछ साल पहले इसे दुनिया का सबसे बदसूरत जानवर चुना गया था। यह एक जानवर है जो बड़ी गहराई में रहता है और इसके मांस में जेली जैसी बनावट होती है। यह कब बनाता है? जब समुद्र में से फोटो खींची जाती है तो कैप्चर में जेली जैसी आकृति होती है। दुर्भाग्य से यह झींगा मछलियों का निवास करता है, और जब मछुआरों ने इन झींगा मछलियों को पकड़ने की कोशिश की तो वे रास्ते में कुछ मछली छोड़ गए। यदि केकड़ा दुनिया में सबसे दुर्लभ जानवरों में से एक है, जिसे हमने 2006 में खोजा था। यह एक क्रस्टेशियन है जो समुद्र की गहराई में रहता है और इस उपनाम को शरीर में सिल्क्स होने के लिए प्राप्त करता है, जो बैक्टीरिया द्वारा बसा हुआ है। यह माना जाता है कि ए एक प्रकार का पारस्परिक सहजीवन, जिसमें केकड़ा उन पर बहुत कम भोजन करता है और उनका घर होता है। उन्हें हर्मिट केकड़े के साथ जोड़ा जाता है। हालांकि शोधकर्ताओं ने अपने अंतर के अनुसार इस क्रस्टेशियन को वर्गीकृत करने में सक्षम होने के लिए अपना परिवार बनाने का फैसला किया है। शायद ही कोई आंकड़ा दिया गया हो कि इस जानवर की दुर्लभता चरम पर है। ब्राजील के मेम्ब्रासीड, यह उन दुर्लभ कीटों में से एक है जो मौजूद है और जीन्स बॉक्सिडियम से संबंधित है। यह कीड़े का एक जीन है जो परिवार मेम्ब्रेसिडे से संबंधित है, और पूरे लैटिन अमेरिका और अफ्रीका में इसकी 14 प्रजातियां वितरित की गई हैं। इस कीट का एक विशेष सिर होता है जो एक हेलीकॉप्टर के आकार का होता है। हालांकि यह काफी खतरनाक लग सकता है, यह मनुष्यों के लिए हानिकारक है। इसका आकार आधा सेंटीमीटर तक नहीं पहुंचता है और यह मुख्य रूप से महिमा पौधों की खातिर खिलाता है। किंका क्लेमाइडिया, इसे फ्रिंस्ड छिपकली के रूप में भी जाना जाता है, और यह केवल न्यू गिनी और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में पाई जाने वाली एक लघु डायनासोर प्रजाति है। यह एक ऐसा जानवर है जो बहुत ध्यान आकर्षित करता है, क्योंकि इसमें एक झिल्ली होती है जो इसकी गर्दन को घेरे रहती है, और यह अधिक खतरनाक उपस्थिति और मादाओं के साथ प्रेमालाप के रूप में प्रकट होती है। इसमें तेज गति से चलने की क्षमता है और कीड़ों को शिकार करने की अच्छी क्षमता है। ये केवल लगभग 90 सेंटीमीटर लंबा है। दुनिया के सबसे दुर्लभ जानवर स्टार नोज्ड तिल, यह मोल्स से संबंधित एक जानवर है, लेकिन यह दुनिया में जानवरों का सबसे दुर्लभ समूह है। ये एक छोटा स्तनपाई है जो उत्तरी अमेरिका में रहता है और है एक थूथन, जिसमें 22 मोबाइल गुलाबी टेंकल होते हैं। इसका उपयोग उनके शिकार, मुख्य रूप से कीड़े और छोटे मोलस्क को पकड़ने के लिए किया जाता है। उपस्थिति जमीन के नीचे अपने जीवन के विकासवादी अनुकूलन का परिणाम है। इस प्रकार के विकास और अनुकूलन के लिए धन्यवाद। इसमें पंजे होते हैं और एक बेहतर संवेदी क्षमता के साथ संपन्न होता है, और वे पूरी तरह से अंधे जानवर हैं। चीन का पानी हिरण, यह एक हिरण है जिसके पास तुस्क है और कई उप प्रजातियां हैं। इसकी सीमा चीन और कोरिया के बीच यांगत्जी बेसिन के निचले हिस्से को कवर करती है। इसे फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम में भी पेश किया गया है। वे काफी छोटे जानवर हैं यदि हम इसकी तुलना अन्य गर्भाशय ग्रीवा से करते हैं। उनमें एंटलर भी नहीं है। आम हिरण से मुख्य अंतर कैनाइन का विकास है, इन अधिक विकसित कर सकता है जो उसके भोजन का हिस्सा है। हालांकि उन्होंने कैनाइन विकसित किए हैं, उनके पास एक शाकाहारी भोजन है, एक्सोलोटल है, जो पहले से ही सामाजिक नेटवर्क के माध्यम से दुनिया भर में जाना जाता है। यह एक मैक्सिकन उभयचर है जो विलुप्त होने के खतरे में है। यह महत्वपूर्ण स्थिति पानी के दूषित होने के कारण है जिसमें वे रहते हैं। वे ऐसे जानवर हैं जिनके पास एक अद्वितीय गुण है जो नीरस है। इसका मतलब है कि वयस्क व्यक्ति अपने पास मौजूद कई लक्षणों को बरकरार रख सकते हैं जब वे भूने। इसमें रहने की क्षमता है जैसे कि वे स्पष्ट रूप से अनंत युवाओं में जमे हुए थे। जंगल में सर्वेक्षण के लिए गई टीम की नज़र गुलाबी रंग की विषैली मकड़ी पर भी पड़ी। छोटी उम्र में ये मकड़ियां भूरे रंग की होती हैं, बड़े होकर मादा मकड़ियां भूरे रंग की ही रहती हैं, जबकि नर मकड़ी का रंग गुलाबी हो जाता है।